स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में फेज इक्विलिब्रियम में नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तथा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में जानेंगे। यह नियम बर्थले तथा जंग फ्लेश ने दिया था। इस नियम के अनुसार हमारे पास कोई दो द्रव होने चाहिए जो कि अमिश्रणीय हो, और साथ में एक विलेय ऐसा होना चाहिए जो कि समान रूप से इन दोनों अमिश्रणीय द्रवों में वितरित हो। उस समय ताप और साम्यावस्था, ताप स्थिर रहना चाहिए और साम्य पर दोनों विलायकों में उसकी सांद्रताओं का अनुपात यानी विलेय की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहना चाहिए। अर्थात जब कोई विलेय दो परस्पर संपर्क रखे हुए अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होता है तो स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उसकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। यदि विलेय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करें, अर्थात जो विलेय है दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहना चाहिए। When a solute is added to system having two immiscible solvent at equilibrium, it will tend to distribute itself between the two solvents in such a way that ratio of the amount of a solute in the two phase will be constant, provided the temperature remains constant. इसके लिए हम example लेते हैं वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों आपस में इमिसिबल हैं और हम लेंगे इसके अंदर आयोडीन। ये आयोडीन जल में भी सॉल्युबल रहेगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड या CS2 में भी सॉल्युबल रहेगी। इन दोनों परतों में इसका वितरण समान रूप से होगा। अब आयोडीन के अणु जिस गति से जल की ओर वितरित होते हैं उसी गति से वो CS2 परत की ओर गमन करके वितरित होते हैं। जब ये गमन की अवस्था बराबर हो जाती है तो क्या है, इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी और इस साम्यावस्था पर दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रता मानक सोडियम थायोसल्फेट से अनुमापन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आयोडीन की विभिन्न सांद्रताओं को लेकर अगर ये एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं तो दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रताओं का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये एक डायग्राम के द्वारा हमने दर्शाया है CS2 की लेयर और H2O, जिसमें आयोडीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर समान रूप से वितरित होती है, जिस वेग से आयोडीन H2O में वितरित होती है उसी वेग से आयोडीन CS2 में वितरित होती है। अब कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की सांद्रता अपॉन जल में आयोडीन की सांद्रता, इन दोनों का अनुपात क्या रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या पार्टीशन कोफिशेंट या डिस्ट्रीब्यूशन रेशो भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम आयोडीन की अलग अलग मात्रा लेते हैं, 10 ग्राम CS2 में आयोडीन की मात्रा C1 जैसे 1.74 है, 10 ग्राम जल में आयोडीन की मात्रा 0.0041 है, इसके K का मान लगभग 414 है। इसी प्रकार चाहे हम मात्राएं कितनी ले लें लेकिन इनका जो कांस्टेंट है, अनुपात का मान क्या रहता है, लगभग स्थिर है। इस प्रकार एक विलेय दो अमिश्रणीय विलायक ए और बी में स्वयं को वितरित करें तथा समान आणविक स्पीसीज की दोनों विलायक में सांद्रताएं C1 और CB हो तो उनका वितरण नियम के अनुसार नियम क्या होगा, CA/CB = K, यानी वितरण कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास हो गया नल्स वितरण नियम या नल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
जल और ईथर के बीच में ऑक्सैलिक अम्ल निकाय में भी उन्होंने वितरण गुणांक के स्थिर मान प्राप्त किए, जबकि जैसे कि अभी हमने निकाले ही है। और डब्ल्यू नंस ने एक नियम प्रतिपादित किया जो उनके नाम पर नंस वितरण नियम कहलाता है, और इस नियम की अभी हम व्याख्या कर चुके हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या है, दो अमिश्रणीय द्रव है और एक विलेय है जो कि दोनों के अंदर वितरित हो सकता है। उस समय हमारे पास ताप स्थिर रहना चाहिए और साम्य अवस्था में दोनों विलायकों में उसके वितरण की सांद्रता का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम मानते हैं कि माना कि द्रव ए और बी हैं जो कि अमिश्रणीय हैं, और एक विलायक है एक्स जो कि उन दोनों में विलय होता है। निश्चित ताप और दाब पर द्रव ए में विलय का रासायनिक विभव म्यू वन है, उसी प्रकार बी में विलय का रासायनिक विभव म्यू टू है। अब हम जानते हैं म्यू बराबर म्यू जीरो प्लस आर टी एलन ए, जहाँ पर म्यू जीरो क्या है, हमारे पास मानक रासायनिक विभव है, और ए हमारे पास क्या है, पदार्थ की सक्रियता। तो हमारे पास प्रावस्था फर्स्ट और सेकंड के लिए हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुई है वो है म्यू वन इज इक्वल टू म्यू जीरो वन प्लस आर टी एल एन ए वन, और इसी प्रकार सेकंड के लिए एल एन ए टू, जहाँ ए वन और जो ए टू है विलायक ए व बी में, यानी प्रावस्था फर्स्ट और सेकंड में विलय की सक्रियता है। जब हमारे पास जब वितरण का साम्य स्थापित हो जाता है तो किसी ताप स्थिर ताप व दाब पर दोनों विलायकों में विलय के रासायनिक विभव के मान भी समान हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो नियम है वो क्या कहता है कि ताप स्थिर होना चाहिए और साम्य अवस्था पर इनका जो रासायनिक विभव है वो भी हमारे पास इनका क्या हो गया, समान हो गया। जब ये समान हो गया है तो यहाँ पर हम म्यू वन और म्यू टू समीकरणों का जब मान रखेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ln ए वन अपॉन ए टू म्यू जीरो टू माइनस म्यू जीरो वन अपॉन आर टी। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का मानक रासायनिक विभव म्यू जीरो वन व म्यू जीरो टू का मान स्थिर है, चूँकि आर भी स्थिरांक है हमारे पास में, इसे एल एन ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू स्थिरांक, और ए वन ए टू भी क्या हो गया हमारे पास, स्थिरांक हो गया है। ये हमारे पास वितरण का सही समीकरण है। अब यदि विलयन तनु अति तनु है, अतः आदर्श विलयन के लिए इसकी सक्रियता का अनुपात लगभग इनकी सांद्रताओं यानी जो मोल भिन्न है, मोललता है, मोलरता है के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू सी वन अपॉन सी टू इजिकल टू कॉन्स्टेंट, या सी वन अपॉन सी टू इजिकल टू के, यानी स्थिरांक यानी वितरण कॉन्स्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास वितरण नियम हुआ। अब हम देखते हैं इसका कि हमारे पास लिमिटेशन क्या है इसकी। लिमिटेशन में कि सबसे पहले तो हमारे पास जब पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास ताप स्थिर रहना चाहिए, दूसरा है कि दोनों विलायकों में विलय का सांद्रण यथासंभव कम से कम रखना चाहिए, यानी विलयन आदर्श रूप में तनु होना चाहिए, अर्थात हमारे विलयन की सांद्रता कम से कम होनी चाहिए, यानी वो डाइल्यूट होना चाहिए, तभी वह इस नियम की पालना अच्छे से कर पाएगा।
विलेय तथा विलायकों की परस्पर विलयता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए. द सॉल्यूट शुड नॉट अल्टर द म्यूचुअल मिसिबिलिटी ऑफ टू सॉल्वेंट. यह नियम तभी अच्छे से लागू हो सकता है जब दोनों विलायक परस्पर क्या है अमिश्रणीय हो और विलेय की उपस्थिति में इनकी परस्पर विलयता में कोई परिवर्तन ना हो. और दोनों विलायकों में विलेय की समान आणविक अवस्थाएं रहनी चाहिए, यानी विलेय की आणविक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए. तो ये हमारे पास वितरण नियम की कुछ सीमाएं हैं. आगे के टॉपिक में हम नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.